अभी आपने क्वेश्चन किया था कि आपने क्या किया, मैं पूछना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, जो जो 15 साल जो यहाँ के विधायक है, जो 30 सालों से 35 सालों से यहाँ के मंत्री रह चुके हैं, जो महापौर बन गए, इतने सब उनके पास पदवी होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ नाटक कर पाए। और इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ की सत्ता इतना सालों से है, हमारे एमएलए हर मंगलवार को या बुधवार को या गुरुवार को जैसा आठवड़े बाजार भरता है वैसे वो लोग जाते हैं, इसका मतलब उतना साल इतने इनके पास सत्ता होने के बाद भी कर नहीं पाए। और मुझे हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अभी हॉस्पिटल बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए 10 एकड़ जमीन लगती है, वो 8.5 एकड़ है, मतलब वो बनेगा नहीं। दूसरी बात, वो भूखंड जो है वो वहाँ बच्चों लोग खेलते हैं, वो खेलना बंद हो जाएगा। तीसरी बात, उधर एसटीपी है। चौथी बात, सीआरजेड है 1-2। अरे ये सब चीज होने के बाद लोगों को गुमराह करने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, ये बताने के लिए झूठा वादा, मैं आपको बता रहा हूँ झूठा वादा। और सबसे महानगर पालिका का जो पैसा है वो हमारा टैक्स, पानी का बिल, उसके माध्यम से तिजोरी में जाते हैं, लेकिन उतना करोड़ रुपया जो सिडकों का जो प्लॉट है वो प्लॉट का कीमत 0 है। वो प्लॉट को हम 50 करोड़ रुपए दे रहे, मतलब क्या कर रहे हैं, जो फुकट मिलने वाला चीज है उसको हम पैसा देके खरीद कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, जो मुझे मैं जो बोलता विरोध करता हूँ पब्लिक के सामने, सिडको के ऑफिसर, महानगर पालिका आयुक्त उसके सामने उन्होंने बात करना चाहिए। जो यहाँ के एमएलए उन्होंने प्रेशर किया, वो महाराष्ट्र शासन ने शासन के ऊपर, और उन्होंने वो पैसा भरवाने के लगा, आयुक्त ने जबरदस्ती वो उसकी इच्छा नहीं तो भी पैसा भरा। और हम आपको बोलते हैं ये जो पैसा भरा है वो उसका क्या करने का हम सोचेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।